ऐसा देश है जिस देश में बड़े बड़े महामानवों पर भी आक्षेप लगा दिए जाते हैं। एक बार पत्रकारों ने अंबेडकर जी से पूछा कि अंबेडकर जी, आप गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लेते? अंबेडकर जी ने बड़ा आसानी से उत्तर दिया कि गांधी जी जिस समाज का नेतृत्व करते निगत करता है वो गांधी जैसे सरल समाजों की दास्ता का शिकार है। मेरा जो समाज है वह इस देश के उन समझना का गुलाम है और यह समय उन ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम है। तो जो जिसका गुलाम है वो सन्मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि समय अंग्रेजों का गुलाम है तो अंग्रेजों से लड़ रहा है और यदि मेरा समाज संवरना का गुलाम है तो मैं संवरना से लड़ रहा हूं। जिस दिन यह समय समाज मेरे समाज को बराबरी का अधिकार दे देगा उस दिन मैं भी समाज में के साथ खड़ा होकर के इस ब्रिटिश हुकूमत को इस देश से भगाने के लिए आंदोलन करूंगा। और उस पत्रकार के पास इस उत्तर के बाद कोई दूसरा प्रश्न नहीं बचा था। समय कम दिया गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस मंच पर रामवीर सिंह चौहान जी के निमंत्रण पर मैं आया हूं और एक कहना चाहूंगा कि सदियों में जितनी बार भी जब भी जाने अनजाने किसी भी सवन समाज द्वारा हमारे पूर्वजों के सवन समाज द्वारा आज के दलित समाज के पूर्वजों के साथ जब भी कभी कभी भी अन्याय किया होगा, शोषण किया होगा, आज मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आज के उस वंचित समाज से अपने पूर्वजों के किए गए अन्याय और शोषण की सार्वजनिक क्षमा मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि जब जो हाथ और जो आंख है इस वंचित समाज की ओर उठेगी, इस वंचित समाज की रक्षा और सुरक्षा में यदि सबसे पहले बलिदान होना पड़े तो वो इस सवन रविंद्र द्विवेदी का नाम होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। जिन मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने 67 सीटें जीत करके सत्ता पाई उन विषयों से भटक गए। ये बात हमने 4 साल 2 साल पहले चुनाव में ही कह दी थी कि जो अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे के दान का गबन करके राजनीतिक पार्टी बना करके उसमें धन लगाता है वो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। उसकी बेईमानी का परिणाम है ये आपकी अपनी पार्टी पीपल। यदि वह बेईमान न होता, यदि वह भ्रष्टाचारी न होता तो शायद आज आपकी अपनी पार्टी पीपल्स वजूद में नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल जी, आपने अवसर दिया जनता को जगाने के लिए, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के रूप में जन्म देने के लिए, किसी ना किसी रामवीर चौहान जी को बाध्य करने के लिए। और जो आपने जो बाध्य किया है वो आपकी सत्ता के पतन का कारण बनने जा रहा है। आम ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल जी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स आम आदमी पार्टी सरकार के पतन का कारण बनेगी और उसकी जगह स्वयं सत्ता में आसीन होगी। और इस महान मनोरथ में मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से पूरा समर्थन देता हूँ। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को जहाँ पे हम लड़ेंगे आपसे समर्थन लेंगे, जहाँ आप लड़ेंगे आपको समर्थन देंगे, लेकिन केजरीवाल को सत्ता से हटा करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। इन सबों के साथ जय भीम।